जेंटलमैन है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। और आपके पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है दुनिया का। क्या प्रेस वाले आपको कोई एक्सीडेंट की स्टोरी होती है, कोई रेप का स्टोरी होता है, एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में डाल देता है। हम गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़कियों के स्कूल के लिए, जहां टॉयलेट नहीं है वहां हम बिना पैसे चार्ज किए फ्री टॉयलेट हम वहां इंस्टॉल करके देते हैं। जी, आमची आयपीएच ची फिल्म आहे ती बघू आणि ते आपण चालू करू। बर, गो अहेड। पूरी दुनिया की 18% आबादी है और सिर्फ 4% फ्रेश साफ पानी है। इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखा है 1-3 दिसंबर डेक्कन कॉलेज ग्राउंड्स में, पुणे में, जहां पर हम ऑल इंडिया के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हमने गिने चुने एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर संजय धार शास्त्र है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में 24/7 वाटर सप्लाई पे काम कर रहे हैं, ऐसे मैडम डी थारा जी है जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की, यहाँ पर वो 24/7 वाटर सप्लाई की बात करेंगे। ऐसे ही जहाँ पर हम पब्लिक टॉयलेट्स को इन्हेंस कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पहले ये कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको सिखाएं। आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ हमारी MOU होने वाली है, अग्रीमेंट होने वाली है। सिंगापुर प्लम्बिंग सोसाइटी, जहाँ 80% पानी वो खराब पानी को रिक्लेम करके ड्रिंकेबल स्टैंडर्ड तक बनाते हैं, तो हम ये सब कर रहे हैं ये 3 दिनों में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अभी कैसे हम अपने देश को वाटर पॉजिटिव बनाएं। और पूरे टॉपिक्स जो है इसमें 24/7 वाटर सप्लाई, लो फ्लो फिक्सर्स एंड सैनिटरी वेयर, रिक्लेमेशन ऑफ ब्लैक एंड ग्रे वाटर, ये सब टॉपिक्स 32 स्पीकर हैं वहाँ पे एक्सपर्ट्स जो 3 दिन डिलिब्रेट करेंगे और हमको सिखाएंगे कि कैसे हम पानी बचा सकते हैं अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए हम कैसे पानी सेव कर सकते हैं। इंडियन प्लम्बिंग असोसिएशन पुणे चैप्टर चेयरमैन, मी सर्व पुणेकरांना विनंती करतो की इंडियन प्लम्बिंग असोसिएशनची 28वी ही कॉन्फरन्स आहे, ही ॲडव्हान्समेंट इन बिल्ड एन्व्हायरमेंट या विषयावर आहे। की 1, 2, 3 डिसेंबरला डेक्कन कॉलेज ग्राउंडवरती आहे। सगळ्यांनी त्याला भरघोस पाठिंबा द्यावा आणि ह्याच्या प्लम्बिंगच्या रिलेटेड वेगवेगळे चर्चासत्र आणि एक्झिबिशन आयोजित केलं आहे, याच्याकरून लोकांचं प्लम्बिंग आणि पाणी या विषयावरचं ज्ञान प्रचंड वाढणार आहे। तर या सगळ्या संदर्भात तुमचा आम्हाला सहभाग अपेक्षित आहे। जनतेच्या सहभागाशिवाय ती सक्सेसफुल होऊ शकणार नाही। धन्यवाद। हम इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन से हैं
और हमारी एसोसिएशन 29 साल पुरानी है। अभी 1993 में 1993 में हमने शुरू किया था, बहुत छोटी एसोसिएशन थी। अब हमारे पूना जैसे 24 चैप्टर हैं पूरे भारत में, और हम अभी नेपाल में एक चैप्टर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, भूटान में भी हमारी डिस्कशन चालू है। क्योंकि आपको मालूम है कि साउथ एशिया में जो भारत है वो लीड कर रही है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में। चाइना के बाद आप हमारी इकोनॉमी देखेंगे तो आज वर्ल्ड इकोनॉमीज पांच जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी हैं उनके जीडीपी के हिसाब से हमारी भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो आईपीए क्या है और हमारा क्या महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है, हमारे अभी 6,500 मेंबर हो गए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपने पेपर में कुछ दो चार दिन पहले पढ़ा होगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, हमारी जो आबादी है वो अभी 1.214 बिलियन हो गई है, चाइना की आबादी 1.426 बिलियन है, और अगले साल भारत की आबादी चाइना की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। अब जब हमारी इतनी बड़ी आबादी बढ़ने वाली है और गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में एक अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, पहले 500 सिटी ये कवर कर रहे थे, अब 4,700 सिटी कवर कर रहे हैं, जहां 24 घंटा आपको पानी आपके नल से आएगा। तो ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं, जहां पर हर झुग्गी झोपड़ी जो हमारी सिटीज अर्बन सिटीज में है उनको हम पक्का घर, कैसे 300 स्क्वायर फुट का कार्पेट एरिया घर देंगे तो उसमें पानी का भी कनेक्शन होगा, सैनिटेशन भी होगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें वो 164 सिटी चूज किए उन्होंने जो गार्बेज फ्री, सुएज फ्री, सलेज फ्री, मतलब आपके बाथरूम से जो वेस्ट निकलेगा वो पूरा ट्रीट होगा, जिसको हम सैनिटरी वेस्ट बोलते हैं। तो अभी क्या है कि इसके अलावा एक और प्रोग्राम है हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री का जल शक्ति अभियान, जहां हम 30 लीटर पर हेड पानी हर सिटीजन को देना चाहते हैं। अगर आपकी आबादी 141 करोड़ पहुंच गई है और आपको हर आदमी को, हर औरत को यहां पर पानी 24 घंटे देना है या 30 लीटर देना है तो पानी कहां से आएगा। आज आपकी आबादी पूरी दुनिया में देखेंगे तो 17.65% 18% तक, 18% तक आपकी आबादी पहुंच रही है पूरी दुनिया की, और आपके पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है दुनिया का। अभी 70% के ऊपर पानी एग्रीकल्चर के लिए जाता है, खाने के लिए। अगर पानी हम हर सिटीजन को देंगे और हमारे पास 4% ही पानी है दुनिया का, फ्रेश वाटर जो बोलते हैं, समुन्द्र का पानी आप ना आप अपने क्रॉप्स को दे सकते हो ना पी सकते हो, उसको आपको रिफाइन करना पड़ता है, जो हम प्रोसेस डीसैलिनेशन बोलते हैं। आज इंडिया में एक ही डीसैलिनेशन प्लांट है चेन्नई में। तो हम पानी कहां से लाएंगे हमारी आबादी के लिए, और अगर पानी की कमी होगी तो खाने की भी कमी होगी। तो हमने इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन ने एक तय कर लिया है कि हम अपने देश को वाटर पॉजिटिव बनाएंगे, पानी हर आदमी के लिए, हर भारतीय के लिए हम पानी कोशिश करेंगे कि हम सबको सप्लाई करें। 48 साल आज 2022 है, 2070 तक 48 साल हमारे पास नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि आपकी आबादी जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी होने वाली है और आपको पानी आपके एग्रीकल्चर खाने के लिए भी चाहिए, कुकिंग के लिए भी चाहिए और उगाने के लिए भी चाहिए, तो पानी कहां से आएगा। हमारे पास ये लग्जरी नहीं है, टाइम नहीं है। अभी आप प्रेस वाले, आपको कोई एक्सीडेंट की स्टोरी होती है, कोई रेप का स्टोरी होता है, एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में डाल देता है,
वो फ्रंट पेज पे आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हम सेंसिटाइज करें कि जल बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे लिए और हमको यह तकलीफ पब्लिक के वहां जाना है, पब्लिक को समझाना है कि हर चीज जो हम पहनते हैं, जो हम यूज करते हैं, एक टी शर्ट में 900 लीटर पानी जाता है, एक केजी राइस उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए 1200 लीटर पानी जाता है, एक केजी गेहूं उगाने के लिए 900 लीटर पानी जाता है, एक केजी गेहूं खाली 900 लीटर पानी जाता है। तो पानी की शॉर्टेज मैंने आपको पहले भी बोला, मतलब खाने की शॉर्टेज। इसीलिए हम ये पूरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम जानबूझ के पूना में कर रहे हैं कि हम कैसे एट सोर्स लो फ्लो फिक्चर्स एंड सैनिटरी वेयर सेव करें, वाटर का ऑडिट करें, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कंट्रोल करें कितना पानी जा रहा है। आज आपके वहां एक वाटर मीटर लगता है, 50% वाटर मीटर तो काम भी नहीं कर रहे, और जो काम कर रहे हैं वो खुद जो है वो जो मालिक होता है वो घर का वो जाके तोड़ देता है उसको, क्यों ले लो जितना पानी लेना है। अब मेरे यहां जहां मैं बॉम्बे से आया हूं, मेरे को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 135 लीटर पानी एक आदमी के लिए देती है। अब आपका जो फ्लश है उसमें कोई लेडी बाल फेंकती है, कोई आदमी सिगरेट का वो बड फेंकता है उसमें और फिर फ्लश करते जाते हो आप, ये लग्जरी हमारे पास नहीं है। तो हमको पब्लिक को सेंसिटाइज करना है कि कल के लिए जल नहीं है, जल है तो कल है। ओके, नंबर वन। नंबर टू, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर। एक प्रोडक्ट में कितना पानी होता है, एक प्रोडक्ट बनाने में, जैसे मैंने आपको सेलफोन का बताया 2500 लीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है। जब मेरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरे को 135 लीटर एक दिन में दे रहा है तो 2500 लीटर क्या होता है। तो इसीलिए हम लो फ्लो फिक्चर सैनिटरी वेयर कैसे लगाए, उसको मैंडेट कैसे करें, हम हमारा जितना खर्च किया हुआ पानी है उसको रिक्लेम कैसे करें। एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट फॉर पब्लिक कन्वीनियंसेस। आदमी जो है वो किधर भी पेशाब कर सकता है, औरत क्या करेगी। आज बहुत सी स्कूल है हमारे गांव में, विलेजेस में, जहां लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि वहां पर टॉयलेट नहीं है। अब 8 घंटे में एक बच्ची स्कूल जाएगी और वहां एक बाथरूम नहीं होगा उसके लिए, तो हमारी एसोसिएशन, और आप ये लिख सकते हैं किधर भी इंडिया में, हम गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़कियों के स्कूल के लिए जहां टॉयलेट नहीं है वहां हम बिना पैसे चार्ज किए फ्री टॉयलेट हम वहां इंस्टॉल करके देते हैं। किधर भी आप कोई भी गांव में किधर भी बोलिए, हमारी एसोसिएशन टॉयलेट फ्री वहां पर डालेगी जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। हमको मतलब नहीं है गवर्नमेंट डाले नहीं डाले, गवर्नमेंट स्कूल है नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी है, हमारा फर्ज है कि हम अगर लड़की लड़की बचाओ, आप बोलते हैं ना लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो लड़की को कैसे पढ़ाओगे आप जब तक उनके लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं होगी। इसीलिए हमारी एक टॉपिक है टॉयलेट्स फॉर पब्लिक कन्वीनियंसेस, अत्यंत मोजके आणि लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीशी संबंधित ठेवलेला आहे। उदाहरणार्थ 24/7 वॉटर सप्लाय जे पुण्यामध्ये मागचे 5-7 वर्ष डिझाईन इन्स्टॉलेशन लेवलला एका स्टेज पर्यंत आले आहे, ही टेक्नॉलॉजी काय ही सामान्य माणसाला एक्झॅक्टली माहीत नसते, नुसतं आपण बजवड ऐकतो 24/7 म्हणजे मला खरंच काय फायदा होणार, ही माहिती तुम्हाला तिथे तज्ज्ञ लोकांकडनं, मग ते गव्हर्नमेंट मधले पॉलिसी मेकर असतील, जसे कन्सल्टंट असतील किंवा जसे इम्प्लिमेंटर असतील, हे तिथे तुम्हाला भेटणार आहेत। तसंच त्या लोकांच्या स्टॉल मधनं सुद्धा हे अभिप्रेतित ते करणार आहेत की ही सिस्टीम कशी वर्क होते। तुम्हाला माहिती असेल की आता बजवर्ड हा IoT इंटरनेट ऑफ टेक्नॉलॉजी आहे जो प्लम्बिंग मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आला आहे। बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम, इंटरनेट ऑफ टेक्नॉलॉजी, थोडक्यात IT प्लम्बिंग मध्ये कसं नियोजन आपण करू शकतो आणि एंड युजरला त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो या संदर्भात आपण तिथे माहिती देणार आहोत।